हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डिलीशियस JNG किचन में। आज हम बनाएंगे आलू मटर की सिंपल सी सब्ज़ी। आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए एक कटोरी मटर चाहिए, मैंने फ्रोजन वाले लिए। आप ताज़ा मटर ले सकते हो। 4 उबला आलू, 4 टमाटर, 2 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक और 2 मीडियम साइज का प्याज। हम आलू और प्याज को काट लेंगे। लहसुन की कली और अदरक और टमाटर को पीस लेंगे। हमने आलू कट कर लिए, 2 हरी मिर्च कट कर लिए, प्याज कट कर लिए। अभी मेथी का सीजन है तो हमने हरा मेथी भी कट कर लिए थोड़ा सा। हमने कढ़ाई गरम कर लिया। 2 टेबल स्पून हम ऑयल जब नहीं जीरा डाल देंगे, मिर्च काट देंगे, प्याज डालेंगे, चम्मच चला देते हैं। प्याज को थोड़ा ब्राउन होते तक भून लेंगे। प्याज ब्राउन हो गया, अब हम डालेंगे टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट। हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, मीठी पत्ती 1 चम्मच चला लेंगे। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच से कम गरम मसाला, चम्मच चला लेंगे और थोड़ा सा मसाला को भूनने देंगे 5 मिनट। 5 मिनट हो गया, मसाला हल्का सा भून गया। अब हम इस पे डालेंगे आलू और मटर। अब हम फ्लेम लो करके 5 मिनट के लिए पकने के लिए आलू और मटर को छोड़ देंगे, ढक देते हैं। थोड़ा ढक्कन खोलकर हम चम्मच चलाकर फिर बंद कर देंगे। ढक्कन बंद कर देते हैं, 2-3 मिनट और पकने देंगे। 2-3 मिनट हो गया, हम और चम्मच चला लेते हैं और पकने देंगे। थोड़ा सा आलू को, आलू में मसाला को घुसने देंगे। हमारा सब्जी अच्छे से भून गया, आलू और मटर मसाला भी अच्छे से भून गया। अब 1/2 गिलास हम पानी डाल देंगे, उबाल आने तक मीडियम फ्लेम में छोड़ देंगे। अब हम धनिया पत्ती डाल देंगे, उबाल आ गया, धनिया पत्ती डाल दिए। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा आलू मटर की सब्जी तैयार हो गई। हमारा आलू मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।